नहीं, 4009 वाला कौन था? एक ही सही आया बस। क्या कर रहे हो, इतना आसान सवाल है। हाँ शहजाद इम्तियाज ठीक है, आज ऐसा मैं करवा देता हूँ यार, तुमसे ना हो पाएगा। आप आंसर बता देता हो जाएगा, तू डिवाइड करके निकालेगा आंसर, है ना, सॉल्व फॉर एक्स करके। हाँ सर, एबीसी हैज रिसेंटली एस्टैब्लिश्ड अ न्यू यूनिट इन मुल्तान। सर नया यूनिट है, रिकरिंग नहीं है। इट्स प्लानिंग फॉर द फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन, डेफिसिट्स द डिपिक्ट्स द फॉलोइंग। कैश सेल्स, सर कैश में कितने बेच दोगे? क्रेडिट पर 12 लाख बेच दोगे, टोटल 18 लाख तुम्हें बेचने हैं। ऊपर से एंडिंग इन्वेंटरी रखनी है इक्विवेलेंट टू, सब 15 दिन की जो सेल है उसके हिसाब से तुमने एक एंडिंग इन्वेंटरी अपने पास मेंटेन रखनी है कि क्लोजिंग में इतना पड़ा हुआ हो। तो सर मुझे पहले बताओ पूरे साल की सेल कितनी होगी? सर आपके पास कैश 6 लाख, क्रेडिट जो 12 लाख, ये कितना थी दानियल पांजा, 8.5 लाख, 18 लाख हो गए। सही है सर, ये 18 लाख पूरे साल के हैं। आपको 15 दिन कहूं या 0.5 मंथ्स कहूं, मसला है? नहीं, मसला है 300 दिन के साथ है सर, मसला है, मसला है। मैं 15 दिन को 0.5 मंथ्स, यहां पर 360 होता तो 0.5 एग्जैक्ट बैठ जाता। ये भी गलती की होगी आप लोगों ने, नहीं की सर। आपके पास नंबर ऑफ वर्किंग डेज इन ईयर कितने? 300। तो सर आपको क्या करना होगा, अगर 18 लाख 300 दिन, तो हर दिन की आ जाएगी कि एक दिन की कितनी इन्वेंटरी होती है, मल्टीप्लाई बाय कितना आ गया, मतलब सर आपको टोटल डिमांड इस साल जो करनी है वो कितनी करनी है, 18 लाख प्लस 9000, कितना हो गया? मुझे गर्मी क्यों लग रही, ऊपर हुआ होगा बारिश, नीचे करने से 1890000। सर इसके बाद आपसे कह रहा है एक्सपेक्टेड परचेज प्राइस कितनी है, 450 पर यूनिट है, 450 पर यूनिट है। इसके बाद कह रहा है सर मैन्युफैक्चरर ऑफर्स 2% डिस्काउंट ऑन परचेज ऑफ 500 यूनिट्स और मोर एज बल्क क्वांटिटी डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट, याद आया आईए में पढ़ा था। कंपनी इंटेंड्स टू अवेल दिस, आप लोगों ने आईए पढ़ा ही नहीं होगा, डायरेक्ट दम मार के आ गए। हाँ वो फिर एफआईआर में जो हाल होता है हमें ही पता चलता है। सर आपके पास क्या कर रहा है, सर कंपनी इंटेंड कर रही है कि डिस्काउंट को अवेल करेगी और 500 से ज्यादा यूनिट्स लेकर आएगी। तो सर अगर लेट सपोज तुम लोग ईओक्यू निकालते हो ऑन द बेसिस ऑफ 450 में 2% का डिस्काउंट निकाल के, कितना होता है सर वैसे ये, कितना? सर अगर तुम्हारा ईओक्यू 500 से कम आता है ना, तो तुम्हें अपना ऑर्डर साइज मिनिमम 500 रखना पड़ेगा, याद रखना। सही है आंसर आपको जो देना होगा, मगर सर क्या ऐसा करोगे, अगर तुम्हारा ईओक्यू 500 से कम आता है तो ये आंसर सही होगा? नहीं सर, नहीं सर, फिर तुम्हें वापस रिवाइज करके अमाउंट लेनी पड़ेगी, कौन सी, और वो किस सिचुएशन में होगा, अगर कोई फाइनेंस की कॉस्ट, कोई होल्डिंग कॉस्ट की परसेंटेज परचेज प्राइस से लिंक नहीं है, तुम्हें रिवाइज ईओक्यू निकालना पड़ जाएगा अगर तुम्हारा आंसर 500 से कम आया, क्योंकि अभी जो तुम वर्किंग्स कर रहे हो वो आप कह रहे हो मैं 441 पे करूंगा, किस पे करूंगा, इन विच केस अगर तुम्हारे पास जो होल्डिंग कॉस्ट है उसका कोई भी लिंक हुआ हुआ है किसके साथ, परचेज प्राइस का कोई भी लिंकेज है, तो तुम्हें रिवाइज ईओक्यू निकालना पड़ेगा विदाउट उसके, विदाउट डिस्काउंट भी। ठीक है सर, कैरिंग कॉस्ट इंक्लूड, कैरिंग कॉस्ट में क्या क्या शामिल है सर, फाइनेंशियल कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इन्वेंटरी एट द रेट 16% पर एनम, तो सर जो होल्डिंग कॉस्ट मेरे पास आएगी वो क्या आएगी, कितना, 72 रुपए, गोडाउन रेंट और रुपी 10,000 पर मंथ इंक्लूड करूंगा सर, पर मंथ पर पर यूनिट पर एनम नहीं है तो इसको क्या करूंगा, इग्नोर, कितना है, तो किसने बोला था ये,
सर डिस्काउंट क्यों लिया है ये समझा दें बेटा। 500 से वो कंपनी इंटेंड्स टू अवेल दिस डिस्काउंट, कंपनी डिस्काउंट लेना चाह रही है, सही है। तो तुम्हारी जो परचेज प्राइस है 450 बैंक से नहीं लोगे, तुम्हारी जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है डेट इज 441, उसका 16% डन है सर। ऑर्डरिंग कॉस्ट है ₹300 पर ऑर्डर, बेहतरीन सर। और कुछ चाहिए मुझे क्या? नहीं सर, होल्डिंग कॉस्ट 441 का 16% या 70.5, ऑर्डरिंग कॉस्ट आपने बता दी 300। अब से हम दुआ करेंगे ईओक्यू 500 से ऊपर आए तो हमारा ये सही फल हो जाएगा, 500 से कम आया तो मुझे होल्डिंग कॉस्ट रिवाइज करनी पड़ जाएगी। सर दो दो हाथ कर दें इसे, सर गोडाउन रेंट का कुछ नहीं करेंगे बेटा, ईओक्यू के लिए तो कुछ नहीं करते क्योंकि रेलिवेंट कॉस्ट नहीं है। मैं चाहे जितने भी यूनिट्स मंगाऊं, गोडाउन का रेंट फिक्स है, नंबर ऑफ यूनिट्स की वजह से चेंज नहीं होगा। सर आपके पास डिमांड कितनी है, ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है और होल्डिंग कॉस्ट कितना? 70.56 था सर, कितना आ गया सर? ऑल इज वेल, आपने सही होल्डिंग कॉस्ट निकाली। अगर ये 500 से कम आता तो तुम्हें और मजीद जाके क्या करना, फिर 450 पे लेते 16%, क्या लेते? होल्डिंग कॉस्ट रिवाइज हो जाती। क्या हो जाती? होल्डिंग कॉस्ट रिवाइज हो जाती। ठीक है, समझ आया जो मैं कह रहा हूं? नहीं आया बेटा, देखो अगर ये आंसर आता 400, क्या आता? अगर तुम 400 ऑर्डर करोगे, क्या तुम्हें 450 का यूनिट, 441 का यूनिट मिलेगा? और तुम्हारी जो होल्डिंग कॉस्ट है ये तुमने लिंक करी हुई किसके साथ? डिस्काउंटेड प्राइस के साथ। किसके साथ? तो तुम्हें वापस क्या करना पड़ेगा, आंसर निकालना पड़ेगा। कैसे सर? तुम्हें 450 का 16% निकालना पड़ेगा और फिर तुम्हें वापस से क्या करनी पड़ेगी, वर्किंग। इन विच केस अगर तुम्हारा आंसर 500 से कम आता है, क्योंकि सर आपको क्वांटिटी डिस्काउंट अवेलेबल है ओनली इफ यू ऑर्डर 500 यूनिट्स। डन हो गया? पक्का? यस सर। आ गया मैसेज, आ गया, घर पे सही सलामत पहुंच जाए। हाँ बारिश होने वाली है, जरा जोर जोर से देखना। हाँ क्या करें यार, अपने पास नहीं है तो दूसरों को ही देखेंगे। एस्टिमेटेड टेरिंग कॉल साइलेंट रखा करना, एस्टिमेटेड तू पूरी दुनिया को बताएगा, करो खामोशी से क्या और बगैर छुपके से, सही है। एस्टिमेटेड कैरिंग कॉस्ट सर, एस्टिमेटेड कैरिंग कॉस्ट जब पूछ रहा है ना सर, उससे रेलेवेंट पूछिए, उसने कैरिंग कॉस्ट पूछी, मतलब टोटल होल्डिंग कॉस्ट। क्या चीज? टोटल होल्डिंग कॉस्ट आपने बतानी है। अब सर जरा गौर से देखना, यह आंसर थोड़ा सा चेंज होगा। सर कैरिंग कॉस्ट क्या चीज? ये तो ईओक्यू आ गया, एक रिक्वायरमेंट हो गई सर कैरिंग कॉस्ट। सर इसके अंदर एक तो आपके पास वो है जो आना जाना लगा रहेगा, क्या है? 4009 का एवरेज आना जाना लगा रहेगा। तो सर आपके पास कितना आएगा? सर आपने कहा सर 4009 डिवाइडेड बाय 2 एवरेज आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय एक यूनिट पे कितना है 70.56, कितना आया सर? कितना? 141438 141438। अब मुझे एक बात बताओ, सेफ्टी स्टॉक आएगा क्या? सेफ्टी स्टॉक आएगा 90,000 यूनिट का पूरे साल का, क्या सेफ्टी स्टॉक आना चाहिए? गौर से सोचो, सवाल देख लो। देखो क्या आएगा, नहीं आएगा ना? फर्स्ट ईयर है कह रही है, सोचो सोचो सोचो। हाँ गोडाउन रेंट आएगा, क्यों कैरिंग नहीं आएगा? कैरिंग कॉस्ट तो है ना, टोटल कैरिंग कॉस्ट में गोडाउन रेंट भी आएगा। मैं तो खाली सेफ्टी स्टॉक का पूछा, गोडाउन रेंट तो आएगा ही आएगा,
आई एम जस्ट आस्किंग फॉर कौन सा? तो बेटा उससे रेलिवेंट कॉस्ट पूछिए, उससे रेलिवेंट कैरिंग कॉस्ट पूछिए, नहीं ना उससे कैरिंग कॉस्ट पूछिए, उससे रेलिवेंट कैरिंग कॉस्ट नहीं पूछी इसका। हाँ होल्डिंग कॉस्ट टोटल होती है, अगर आप ईओक्यू की बेस पे करते हो तो वो रेलिवेंट होती है। क्या होती है? अगर मैं अभी रेलिवेंट कॉस्ट की बात करूं वो कितनी है? वो आपके पास है 141438। ऑर्डरिंग कॉस्ट भी इतनी आएगी, सब सब होल्डिंग कॉस्ट टोटल आ जाती है उसमें, वो टोटल कैरिंग कॉस्ट कहलाती है। किसकी? होल्डिंग में जो एग्जेम्प्ट होती है मतलब। नहीं नहीं टोटल कैरिंग कॉस्ट तो आएगी ना कंपनी की, ईओक्यू पे वो नहीं आएगी क्योंकि ईओक्यू से देखते हैं रेलेवेंट जो यूनिट की बेसिस पे हो, और कंपनी की टोटल कैरिंग कॉस्ट होगी ना उसके अंदर फिक्स कॉस्ट भी आएगी। चाहिए बताओ सर सेफ्टी स्टॉक का क्या होगा? चलो गोडाउन रेंट तो लिख दूं पहले मैं, गोडाउन रेंट तो आएगा कितना सर? अगर वो रेलेवेंट का वर्ड कहता तो मेरा आंसर यहाँ पे स्टॉप है। किसका स्टेप लेता वो? रेलेवेंट की बात करता तो मेरा आंसर यहाँ पर स्टॉप है, मगर सर उसने हमसे ये बात नहीं की। उसने हमसे क्या कहा है? कैरिंग कॉस्ट टोटल बताओ, ये आ जाएगा 120,000। सर एंडिंग इन्वेंट्री इक्विवेलेंट टू 15 डेज सेल्स, इसका बताओ सर क्या ये आएगा? हाँ बेटा यार डिमांड में क्या मतलब, 4,009 यूनिट करके मंगवा रहा हूं ना तो ये एंडिंग इन्वेंट्री क्या पार्ट बनेगा? नहीं बनेगा सर, एंडिंग इन्वेंट्री कह रहा है। क्या नाम क्या वर्ड क्या यूज कर रहा है? क्या वर्ड यूज कर रहा है? सेफ्टी स्टॉक होता है नहीं होता, एंडिंग इन्वेंट्री आप एक लेवल मेंटेन रख रहे हो। सेफ्टी स्टॉक तो वो होता है कि आप कब रीऑर्डर दूसरा करो, आप सेफ्टी स्टॉक कितना रखना चाह रहे हो, रीऑर्डर पॉइंट से निकलता है। यहां से कोई रीऑर्डर पॉइंट दिया है? सो दिस वॉज नॉट अ सेफ्टी स्टॉक एट ऑल, ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी एंडिंग इन्वेंट्री है। तुम क्या करोगे एंड में? होल्ड करोगे, एंड के दिन में मंगवा लेना, कोई फर्क पड़ता है? पूरे साल बैठ के रखूंगा एंडिंग इन्वेंट्री, साल की एंडिंग इन्वेंट्री का 15 दिन की सेल के बराबर क्या रखना? एंडिंग स्टॉक रख लेना। तुम्हारा साल खत्म हो रहा होगा 31 दिसंबर को, अगले पीरियड के लिए मुझे क्या है? स्टॉक चाहिए, 15 दिन का मंगा लियो पहले से। तो ये आपके पास होल्डिंग कॉस्ट में नहीं आएगा, सेट हो गया। ये एंडिंग इन्वेंट्री थी, सेफ्टी स्टॉक नहीं था। क्लियर है? कितना हो गया टोटल? 261438। ऑर्डरिंग कॉस्ट सर? अरे तुम्हारे दोनों सवाल कहाँ के? स्टडी टैक्स के, स्टडी टैक्स के सवाल आपको छोड़ के मत जाना। तुम्हारी जो पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए, पहला जहां पे तुमने हिट ऑन करना है वो कहाँ करना है? स्टडी टैक्स के सारे सवाल तुम्हारे नजर से घूमे हुए। ऑर्डरिंग कॉस्ट सर कितने सर? 1,890,000। डिमांड है कितने? 4,009 मंगाओगे यार दफा? ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर कितनी है, कितना आया? 1,481। यार नहीं यार ऐसे नहीं होगा यार, यही होगी यार, चेंज हो सकती है, वही होगी, यही आ रही है। हाँ रेलेवेंट कॉस्ट तो सेम आएगा, 6 रुपए का फर्क, तो ऊपर तुमने 5-6 करके कुछ और आ रहा होगा। सही है, डन हो गया, आसान था। यस सर, सो तुम्हारी हालत है पता चल गई, इतना छोटा सा सवाल। और ये अगर 7 नंबर का होगा सर, हम सब सही करके आए थे, एग्जामिनर फिर भी हमें मार्क्स नहीं, कोई इशू नहीं, रिफ्रेशर बैच भी बनता है। 12 पढ़ के आ जा जल्दी से, दूसरा सवाल दे रहा बच्चों को करने के लिए, तो पढ़ के आ जा। तेरी पढ़नी ऐसे क्यों असर आया?
डन। देखिए व्हाइट शूज का कॉन्सेप्ट चला रहा है क्या आज, लड़कियों का ट्रेंड लड़कों में क्यों अडॉप्ट कर लेते हैं, व्हाइट शूज लड़कियों की पहने में देते हैं यार, ग्राउंड में अच्छे लगते हैं व्हाइट, व्हाइट ग्राउंड में स्पोर्ट्स को अच्छे लगते हैं। डन है सर, यार तस्वीर खींच लो यार, तो कॉपी करते रहो, नहीं कॉपी करना टाइम नहीं सर। वाओ की कैलकुलेशन में डिस्काउंट क्यों, वाओ की कैलकुलेशन में मैं शायद गलत पढ़ रहा हूँ, वाओ की कैलकुलेशन बेटा ये वाओ क्या है, अच्छा ईओक्यू की कैलकुलेशन में ईओक्यू डिस्काउंट क्यों बेटा, क्योंकि मेरी जो होल्डिंग कॉस्ट है ये तो आप पहली क्लास में बताया था, मेरी होल्डिंग कॉस्ट लिंक किसके साथ है, परचेज प्राइस के साथ सर, याद है जब भी हमारा क्वांटिटी डिस्काउंट आता था मैं होल्डिंग कॉस्ट दो निकालता था, याद आया, तो आपको क्या होगी सर यहाँ पे तो कंपनी इंटेंड कर रही है डिस्काउंट लेगी, अगर उसको तुम बगैर उसके कर लोगे ना, अगर बगैर डिस्काउंट के किया तो आंसर तुम्हारा क्या आएगा, मिसाल के तौर पे तुमने अगर डिस्काउंट नहीं लिया तो आप आंसर क्या आएगा सर, 450 का 16% बताओ, 2 × 1890 ट्रिपल 0 मल्टीप्लाई बाय 300 डिवाइडेड बाय 72 कितना आंसर आया, कितना आंसर आया, 396। सर क्या तुम्हारा भी आंसर सही होगा, तुम्हारे आंसर गलत हो जाएगा, क्यों, तुमने एक बेस ली हुई है ऐसी जो कि करेक्ट नहीं, क्योंकि 72 डिपेंड कर रहा है 450 के ऊपर, जबकि 500 से ऊपर तुम्हारा सप्लायर तुम्हें क्या दे रहा है, डिस्काउंट दे रहा है, तो तुम्हारे जो जेब से पैसा जा रहा है वो 450 नहीं जा रहा था बल्कि 441 जा रहा था, तो तुम्हारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहूँ या होल्डिंग कॉस्ट कहूँ वो 441 से लिंक होगी, 450 से लिंक नहीं होगी, 2% डिस्काउंट के साथ होगा, डन हो गया, तो ब्रेक इवन में भी है इसका फिक्स कॉस्ट वाला करवाएंगे, एक हॉस्पिटल वाला सवाल था, कौन सा हॉस्पिटल में बेड ही होते हैं और क्या होता है, अच्छा तुमने देखा लास्ट का, लास्ट को तो नहीं था, ये वही तो क्वेश्चन नंबर है सर्वे का भी क्वेश्चन नंबर है।